नमस्कार, मैं हूं वर्षा ज्योति से एक नई दृष्टि विशेष में आप सभी का स्वागत है। दिन विशेष में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं करतार सिंह लूथरा गुरुजी। गुरुजी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। जी गुरुजी, आज मंगलवार का दिन है और आज हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए और उपाय क्या होने चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि आज मंगलवार है, मंगलवार का दिन मंगलदेव को समर्पित रहता है और मंगलदेव के अधिपति देवता बनते हैं हनुमान। आज का दिन हनुमान जी का है, हनुमान जी की आज के दिन पूजा आराधना जाप वगैरह करनी चाहिए। इसको करने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से किन किन चीजों में लाभ होता है यह मैं पहले बताना चाहूंगा। मंगल जो है वो कारक है तेज का, मंगल है सेनापति यानी कि शासन करने की क्षमता जिसे बोली जा सकती है, लोगों को हुक्म चलाना, लोगों से काम करवाना, ये सब काम मंगल करवाता है। मंगल जो है शरीर में रक्त का कारक है यानी खून का, खून से संबंधित जिनको तकलीफें चल रही हैं उनके लिए आज पूजा करनी अति उत्तम राशि है। जिनका भाइयों के साथ विवाद है, भूमि से संबंधित कुछ विवाद चल रहे हैं, उन लोगों को आज के दिन में पूजा पाठ करने से, हनुमान जी की जाप आराधना करने से काफी हद तक लाभ होता है। साथ में जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, जो लोग बिल्कुल दब्बू किस्म के हैं, किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को आज के दिन में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों का मंगल खराब होता है उनको खून से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां हो जाती हैं। मंगल जो है स्फूर्ति का कारक है, शरीर के अंदर में लेजीपन जिसका बहुत ज्यादा रहता है, वैसे लोग मंगल की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो मंगल की पूजा आराधना करने की बहुत सारे अलग अलग विधियां हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इसके लिए भी कुछ जानकारी देना चाहूंगा। साथ में जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष के कारण विवाह नहीं हो रहा है, या कोई एक पति पत्नी में एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लड़ाई झगड़े होते हैं और कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों को भी आज के दिन में मंगल की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो जिनके घर में बहुत ज्यादा कलह और कलह का वातावरण है, खून से संबंधित परेशानियां हैं, शारीरिक पीड़ा रोग वगैरह ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे लोगों को आज के दिन में हनुमान जी का मंत्रों का जाप करना चाहिए, खास करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उनको काफी हद तक लाभ मिलता है। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा माना जाता है इन सब चीजों के लिए। साथ में आज के दिन में आपको करना क्या चाहिए कि तंदूर में बनी हुई मीठी रोटियां, जो गुड़ के पानी से आटा गूंद करके उस आटे का रोटी जो है तंदूर में बनवाया जाए, यानी किसी ढाबे वगैरह में बनवाया जाए, और उसको आवारा पशुओं को खिलाना चाहिए, जैसे गाय हो गए, कुत्ते हो गए, कौवे हो गए, इन तीन पशुओं को यदि आप खिलाते हैं कहीं ना कहीं गुड़ से बनी हुई मीठी रोटी जो तंदूर में पकी हो, तो घर में आपसी कलह का वातावरण कम होता है, शरीर से बीमारियां खत्म होती हैं, साथ में अनेक प्रकार के लाभ उनको मिलते हैं। जिनके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, काफी दिनों से कोई मांगलिक कार्य करना चाह रहे हैं, शादी ब्याह फंक्शन वगैरह नहीं हो पा रहा है, भूमि से संबंधित बहुत दिनों से विवाद चल रहा है या कोई भूमि लेना चाह रहे हैं मिल नहीं पा रहा है, ऐसे लोगों को इन सब चीजों का प्रयोग करना चाहिए, उनको काफी हद तक लाभ होता है। आज के दिन में हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। चोला चढ़ाने का अर्थ हो गया कि चमेली का तेल और सिंदूर यानी बंधन जिसको बोला जाता है, उसको मिक्स करके हनुमान जी के ऊपर लेपन लगाया जाता है। यदि ऐसा करते हैं तो भी काफी हद तक इन सब कमियों में, दिक्कतों में समाधान मिलता है। साथ में आज के दिन में बूंदी का लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहिए हनुमान जी के सामने, और सामने बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ करें। जिनको साढ़े साथी वगैरह की दिक्कत चल रही है और मंगल से भी संबंधित परेशानियां चल रही हैं, ऐसे लोगों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। जिनको मांगलिक कार्य करने हैं उनको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चमेली तेल का दीपक जलाना चाहिए। जिनको धन धान्य की कमी है, पैसे आदि की कमी है, ऐसे लोगों को काले तिल का तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बहुत सारी विधियां हैं जिसको करने से काफी हद तक लाभ मिलता है। तो इन सब चीजों को करने के बाद यदि आप छोटे छोटे उपाय करते हैं और हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, इसमें आपको काफी हद तक लाभ मिलता है। जी
जी गुरु जी, अभी हमने जान लिया कि हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, उसकी विधि और उपाय। अब जान लेते हैं आज का पंचांग। जी, आज 5 मार्च 2024 है, दिन आज का मंगलवार है। फाल्गुन मास चल रही है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है सुबह 8:03 तक, उसके उपरांत 10वीं तिथि लग जाएगी। आज मूल नक्षत्र है 3:58 तक, उसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। चंद्रमा धनु राशि में है और सूर्य आज कुंभ राशि में है। जी अब हमने जान लिया कि आज हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, उपाय और विधि। हमने पंचांग भी जान लिया। अब जान लेते हैं आज का राशिफल। जी, शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भागीदारी वाली व्यवसाय में आज निवेश करने से इनको बचना चाहिए। कोई पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचें। अपने आप को अस्थिर ना होने दें, थोड़ा स्थिर रहें, योगा करें, प्राणायाम करें, अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करें। घर में सुख शांति बनाए रखें। तो आज के दिन आपका मिला जुला करके बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, तो आज के दिन का उपाय आपका रहेगा, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और दिन की मुश्किलें आपकी काफी हद तक कम हो जाएंगी। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों से। वृषभ राशि के जातकों का आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। आज कोई फैसला आपको लेना पड़ सकता है, जिस कारण तनाव और बेचैनी आपके मन में रह सकती है। लंबे समय के लिए स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में निवेश करना ठीक रहेगा आपके लिए। किसी मित्र के साथ लंबे समय बाद मुलाकात होने से आप थोड़ा रोमांचित हो सकते हैं, तो आज पुराने मित्रों से मुलाकात होने की पूरी पूरी संभावना है आपकी। तो आज घर से निकलने के पहले थोड़ा दही खा करके घर से निकलते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि का जो जातक है उनको अपने सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। परिवार के लिए उनके पास कोई अच्छी खबर आ सकती है, कोई अच्छी खबर उनको मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं आज के दिन में। आपका कार्य क्षेत्र में आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो कार्य आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। कानूनी सलाह लेने के लिए आज दिन आपका बहुत ही अच्छा है। कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो आज के दिन आप किसी वकील वगैरह से संपर्क कर सकते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आज के दिन आपको हनुमान जी के सामने थोड़े पुष्प चढ़ाने चाहिए, ऐसा करने से दिन आपका और भी ज्यादा शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता पक्ष से धन लाभ की संभावना है। ननिहाल पक्ष का सहयोग प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं ननिहाल पक्ष से कुछ ना कुछ आपको धन वगैरह प्राप्त होने की संभावना दिखती है। आपके उदार स्वभाव का फायदा आपके मित्र आज के दिन उठा सकते हैं। तो आज के दिन थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कोई आपके अच्छे स्वभाव का फायदा ना उठा ले और आपको परेशानी में ना डाल दे। आज आपको वाणी को थोड़ा मधुर रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के दिन आपका भी उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जो जातक हैं वो आउटडोर खेल में थोड़ा आज आकर्षित हो सकते हैं। ध्यान देना होगा, थोड़ा योगा करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। घूमने फिरने के क्रम में सावधानी से खर्च करें, धन हानि हो सकती है। ज्यादा खर्च करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। प्यार के रिलेशन में आज आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं। आपके दिन आपको चाहिए कि सुबह उठ के सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के काम काज में आ रही समस्याओं का आज समाधान होने की पूरी पूरी संभावना है। अपने नजदीकी लोगों को माफ करना सीखिए। यदि आप नजदीकी लोगों को माफ करेंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों से थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज सहकर्मियों से थोड़े बच करके रहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के दिन का उपाय आपका रहेगा, आपको शिवलिंग के ऊपर में थोड़ा शहद चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जो जातक हैं उनको चोट चपेट लगने की संभावना है। बोलते समय और वित्तीय लेन देन के समय, यानी कोई भी धन का लेन देन करते हैं उस समय या किसी से कोई बात कर रहे हैं उस समय, थोड़ी सावधानी रखें। आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातों को बोल सकते हैं जिससे आपका काम खराब हो सकता है और चोट चपेट की भी संभावना है।
तो आपको विशेष रूप से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। आपकी आकर्षक छवि आपको मनचाहा परिणाम दे सकती है, तो एक तरफ से ठीक भी है और थोड़ा सा गड़बड़ भी दिख रहा है, तो आज के दिन मिला जुला प्रभाव आपके लिए रहने वाला है, थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। आज के दिन का उपाय आपका रहेगा, हनुमान जी के सामने सुगंधित पुष्प रख दें, कोई भी सुगंध वाला फूल यदि हनुमान जी के सामने अर्पित करते हैं आप, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका आज का समय अच्छा रहने वाला है। जेवर और एंटिक में एंटिक की चीजों में आप निवेश कर सकते हैं। अपनी बातों पर थोड़ा काबू रखें, अगर बातों पर काबू नहीं रखेंगे तो बड़े बुजुर्ग आपके नाराज हो सकते हैं, उनसे आपको थोड़ा मीठा बोल बोलना चाहिए आज के दिन में। तो आज के दिन आपका भी उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तब बात करेंगे धनुराशि के जातकों की। धनुराशि के जो जातक हैं आपको आज ऐसी गतिविधियों में आज आप शामिल हो सकते हैं जिसमें रोमांच हो और आपको वो चीजें सुकून दे सकती है। संतान के कारण आर्थिक लाभ आज आपको हो सकता है, तो आज आपके लिए मिला जुला के दिन अच्छा जा रहा है। आज के दिन आपको चाहिए कि दिन को और अच्छा करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में पपीते का दान कर दें, एक पपीता ले जाकर हनुमान जी के सामने रख दें, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जो जातक हैं उनका प्रभावशाली लोगों का सहयोग उनको आज मिलेगा, जिससे उनके अंदर में उत्साह काफी हद तक भर जाएगा। घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने की संभावना दिखती है, तो आज के दिन में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। घर में आपके मेहमान आ सकते हैं, मेहमान आने के कारण आपको थोड़ा मन अच्छा लगेगा, तो आज के दिन आपका भी उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए भी काफी अच्छा रहेगा। तब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके प्रभावशाली लोगों से आज के दिन में मेल जोल बढ़ सकती है, मुलाकात हो सकती है, नई मुलाकात भी बन सकती है, इस कारण मन उनका प्रसन्न रहेगा। कोई मित्र आपसे आज के दिन में उधार मांग सकता है, तो आपको उधार देने से आज के दिन में बचना चाहिए। दूर के किसी रिश्तेदार कोई आपको अच्छी खबर दे सकते हैं जिसके आपके परिवार में खुशियां आ जाएंगी। आज के दिन आपको चाहिए कि पीपल में थोड़ा जल अर्पित करें, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जो जातक हैं उनको उनके जीवन साथी के उनको अपने जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को धन देने से बचना चाहिए जिनको पहले से आप धन दे चुके हैं और आपको वो वापस नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को धन आज के दिन में आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किसी रिश्तेदार का स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, आप उसको देखने के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं या उनके घर जा सकते हैं। तो आज के दिन आपको थोड़ा सा ठीक ठाक से ही रहना है। आज का आपका उपाय रहेगा आप जितना हो सके गुरु मंत्र का जाप करें, तो आप काफी हद तक इन सब चीजों से बचे रहेंगे। जी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का शुभ दिन और आज हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राजनीति खेल है, शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV 24। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार। ये हमला फोन में पता मिली से कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 12 मार्च के हमारे जो बचत खाता है, बचत पैसा है, ओला हमारे किसान के ओकर खाता में भेजी 12 तारीख के।
सीमा किसान के प्रति बचत पैसा ला डाली। मर मुख्यमंत्री हा सबो वादा ला पूरा करा थे। 12 तारीख के पैसा हा बैंक के चक्कर नहीं लगा, सीधा खाता में आई। किसान मन के तकलीफ ला समझते सरकार हा। किसान मन के बहुत समस्या रहते है, समय में पैसा मिल जाते बहुत कुछ काम आ जाते। बर भी आवे छठी बर ये मुंदी यहाँ बड़े बड़े गारंटी ला 2.5 महीना में अपन वादा पूरा कर दी तो हम किसान खुश हा। ऐसे मुख्यमंत्री अमल किसान ला चाहिए, गरीब ला चाहिए। राज्य की थे शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम। यहां जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम। यहां जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। हमला फोन में पता मिली से कि हमार मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है 12 मार्च के हमार जो बचत खाता है बचत पैसा है बोला हमार किसान के ओकर खाता में भेजी 12 तारीख के सीएम किसान के प्रति। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने जाना कि आज हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, विधि और उपाय भी जाने, राशि फल भी जाना। आप जान लेते हैं आज का शुभ समय। जी गुरु जी, 51 मिनट से 12:28 तक तो ये समय काफी शुभ रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम की शुरुआत करनी चाहिए। आज का चौघड़िया इस प्रकार से है। शेयर का चौघड़िया है 9:18 से 10:46 तक। लाभ का चौघड़िया है 10:46 से 12:15 तक। अमृत का चौघड़िया है 12:15 से 1:43 तक। शुभ का चौघड़िया है 3:11 से 4:40 तक। और आज का राहु काल का समय है जिस समय के कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वो समय रहेगा 3:11 से 4:40 तक। जी जी, आप जान लेते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए आज मंगलवार का दिन है तो मंगलवार के दिन में मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने मित्रों और भाइयों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने चाहिए। उनसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आज के दिन कर्ज को चुकाने का बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। यदि मंगलवार को आप किसी कर्ज को चुकाते हैं तो आगे की किस्तों को भरने में आपको समय नहीं लगेगा और वो पैसे कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएंगे और आगे की किस्त आपके भरते चले जाएंगे। तो व्यक्तियों को प्रयास करना चाहिए कि जो भी उनका EMI वगैरह है या जो किस्त वगैरह वो भरते हैं या किसी से उधार लिए हैं उनको पैसा धीरे धीरे करके वापस करना है। तो ऐसी स्थिति में प्रयास करना चाहिए कि मंगलवार के दिन में ही वो पेमेंट किया जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आप मान करके चलें कि आपकी किस्त में कभी भी रुकावट नहीं आएगी और आप पैसे को भरते चले जाएंगे। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में आज के दिन में जितना हो सके भाइयों से अच्छा व्यवहार रखें और भाइयों को यदि आज के दिन में कुछ खिलाते पिलाते हैं, कुछ मीठे का दान करते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है।
आज के दिन में मीठी चीजों को दान करना चाहिए जिनका मंगल ज्यादा खराब है। यदि वो मीठी चीजों को दान करते हैं तो भी मंगल कहीं ना कहीं ठीक होने लग जाता है और उनको उनके शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। आज के दिन में हनुमान जी की विधि पूजा आराधना करनी चाहिए, ऐसा यदि करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, हमने जान लिया कि आज हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुरु जी, कुछ सवाल है वो भी हम देख लेते हैं जो हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे हैं। पहला सवाल है शुभम सोनी का। इनकी समस्या है कि ये एक लड़की से प्यार करते हैं लेकिन वो लड़की मांगली है, इस कारण उनके घर वाले जो हैं इस शादी के लिए मना कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्या करें जिससे इनकी शादी भी हो जाए और घर वाले भी मान जाएं। इनका इनकी जन्म तिथि है 15 मार्च 1999, जन्म का स्थान है जबलपुर मध्य प्रदेश और जन्म का समय है शाम के 7 बजे। जी देखिए, इनकी कुंडली जो है कन्या लग्न की बनती है और कुंभ राशि है, तो कुंडली इनकी मांगलिक नहीं है लेकिन इनके जो जिनसे ये प्यार करते हैं उनकी वो मांगलिक है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि उनकी कुंडली में कहाँ कैसा मंगल है और कहाँ पे बैठा है, क्योंकि मंगल जो है एक ही जगह बैठने से मांगलिक नहीं होता। वो 12 घरों में, 5 घर में, यदि कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं तो उसमें 5 घरों में कहीं भी यदि मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है। तो ये देखना पड़ेगा कि मंगल कैसा है उनका, बहुत ज्यादा उग्र है या ठीक ठाक है। और इनकी कुंडली के अंदर में भी 7वें घर में सूर्य गुरु बुध तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मंगल दोष का प्रभाव काफी हद तक निम्न हो जाता है, क्योंकि इनकी कुंडली में भी 7वें घर में जब सूर्य बैठता है तो एक अलगाव का काम ही करता है और मंगल भी अलगाववादी ग्रह ही है। तो ये देखना पड़ेगा कि वो मंगल दोष इनकी कुंडली से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो ऐसी स्थिति में मैं सलाह दूंगा कि शादी विवाह नहीं करना चाहिए। यदि अभी आप अपने दिल की बात को सुनते हुए विवाह कर लेते हैं तो आगे जाके आपको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यदि मंगल दोष कट रहा है तो आप विवाह कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले नहीं मान रहे हैं उसके लिए आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपके कुंडली के अंदर में सबसे पहले 7वें घर में सूर्य बैठा है, तो 7वें घर का बैठा हुआ सूर्य जो है वो पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सैल बना देता है। पत्नी ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा गुस्से वाली रहती है और कहीं ना कहीं उनके गुस्से को बर्दाश्त कर पाना कहीं ठीक नहीं हो पाता है। साथ में आपकी कुंडली के अंदर में स्त्री दोष का निर्माण हुआ हुआ है, तो स्त्री दोष होने से क्या होता है कि आप विवाह के बाद यानी कि पत्नी से कैसा भी व्यवहार रख लें आपको पत्नी का पूरा पूरा सुख नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं उन सब चीजों में कमी रहती है। तो स्त्री दोष भी होने से आपको परेशानी तो है ही है। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए और घर वालों को मनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि 4 आलू लेने चाहिए। उन 4 आलुओं में सुरमा, जो कि खड़ा सुरमा आता है जो पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाता है, ऐसे सुरमा को उस आलू में गाड़ करके उसको ले जाएं किसी घास वाली जमीन में अथवा गड्ढा करके सभी आलुओं को डाल दें, 4 आलू को, और उसके ऊपर मिट्टी भर दें। यदि आप ऐसा लगातार 8 दिनों तक कर देते हैं शुक्रवार से प्रारंभ करके तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में स्त्री दोष की कमी आएगी और आपके घर वाले भी मानने को तैयार हो जाएंगे। साथ में आपको केले का दान 8 केले लगातार 8 दिनों तक किसी मंदिर में रखना चाहिए ताकि घर वाले बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन ना करें, इससे भी आपका आपकी इन समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये 2 उपाय छोटे छोटे आप कर सकते हैं जिससे आपको विवाह में आने वाली अड़चने समाप्त हो जाएंगी। जी, यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपकी जो शादी नहीं हो रही है वो शादी भी आपकी जल्दी हो जाएगी। गुरुजी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी और इतनी अच्छी जानकारियां आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपकी भी कोई समस्या है और आप उसका समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें tvinput@thereate.com पर मेल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ज्योतिष एक नई दृष्टि में आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।